अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है मैश पोटैटोस विद चिकन स्टिक एंड सॉल्टी वेजिटेबल्स। अस्सलामुअलैकुम जी, इसके लिए हमें चाहिए आलू 1 किलो, फ्रेंच बीन्स, गाजर और ब्रोकली, और कोई भी सब्जी आप जो पसंद है तो उसमें आप शामिल कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक आप ले लें। और ये स्वीट कॉर्नस है तो ये मैंने 400 ग्राम लिए हैं। 1 कप दूध है, ये मक्खन है, ये जब हम आलू की बनाएंगे ग्रेवी तो उसके लिए भी ये चलेगा और स्टेक के लिए भी चलेगा। ये क्रश किया हुआ लहसुन है, 1 टीस्पून ये नमक है, और ये 1 टेबलस्पून पेपरिका है जो हम इसके चिकन के लिए मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सॉस है जो हम लोग जब खाना शुरू करेंगे तो इसके ऊपर डाल के खाएंगे। अगर आपके पास बिस्टो सॉस नहीं है तो आप इसको घर में भी बना सकती हैं। इसका बहुत इजी तरीका है, आप एक चिकन क्यूब ले लें, उसको पानी में गर्म करें और उसमें 1 कप दूध डाल दें और 1 चम्मच सोया सॉस डाल के उसको हिलाते रहें और 1 टेबलस्पून आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दें। इसको अच्छे तरीके से पका लें तो ये इसके ऊपर आलू के ऊपर आप डाल के चिकन के ऊपर डाल के आप खा सकते हैं। कट लगा लेंगे ताकि अंदर तक चला जाए और ज़्यादा नहीं। इसको मैरिनेट कर लेते हैं। पहले नमक मल लेंगे, नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक करें। तरीके से मिक्स हो गया है दोनों का। अब हम इसमें, ये स्मोक पेपरिका है, सादा आप सादा भी लगा सकते हैं, इसका जरा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये भी हम लोग मल लेते हैं इसमें। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। हाँ, अब ये थोड़ा सा मक्खन भी इसके ऊपर लगा देते हैं। ये मक्खन लगाने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, मज़ा आता है, इसमें रच जाता है मक्खन। तो ये दोनों पे, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून मक्खन था जो मैंने लिया। ये इसके हो, अब हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। चले, ये हो गया। अब हम आलू बॉईल करते हैं। और इसमें नमक डाल लेते हैं। जब एक उबाल आ जाएगा तो हम इसकी आग थोड़ी कम कर देंगे और फिर जब तक आलू गल जाएंगे तो फिर हम लोग दोबारा आते हैं। अब आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। हाँ, परफेक्ट। तो अब हम इसको स्टेक कर लेते हैं। अब हम इसको मैश कर लेंगे जी। आलू काफ़ी गर्म है लेकिन हम इसको मैश कर लेते हैं। ये आलू हमारे मैश हो गए हैं। अब हम इसको, इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ये मक्खन गर्म हो गया है, अब इसमें लहसुन डालेंगे और चम्मच डालेंगे। बस इसका खुशबू आने तक हम इसको गर्म करेंगे। बस थोड़ा सा और रह गया, फिर हम इसमें दूध डाल देंगे। लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो गई है, अभी हम इसमें दूध डाल देंगे।
थोड़ा दूध बचा लेंगे। दूध को बॉयल आ जाए तो हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। दूध हमने इसलिए बचाया है कि अगर हमें ज़्यादा ये थिक लगे आलू तो थोड़ा इसको नरम रखना है। ये दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है, अभी हम इसमें आलू डाल देंगे। ये नमक हमने इसमें इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब मैंने आलू बॉईल किए थे तो नमक डाल के बॉईल किए थे, और फिर बिस्टो सॉस में भी नमक होता है और चिकन में भी नमक है, तो इसमें नमक ज़्यादा नहीं करना। ये हो गया है, इसमें थोड़ा दूध और डाल देंगे क्योंकि थोड़ा गहरा लग रहा है। चलो ये एक कप पूरा हो गया, अब आप तेज करते हैं। बिल्कुल तैयार हो गया है, अब हम इसकी आग बंद कर देते हैं। इसको ग्रीस कर लेते हैं। हमने रख दिया था उबलने के लिए, ये उबल गया है। इसमें थोड़ा मैंने नमक डाला था, अब इसमें ये कॉर्न हम लोग बॉईल कर लेंगे। बस 2 मिनट के लिए बॉईल करने हैं। तो हम इसको निकाल लेते हैं और इसके बाद 1 by 1 करके सारी सब्जियां उबाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रोकली जो है वो सिर्फ उबलते पानी में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ डालते ही निकाल लेनी है आपने। ये सादा पानी है, इसमें 3 टेबलस्पून ये हम लोग पिस्टो सॉस डाल देंगे। इसको अब मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया, अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। ये अब पड़े पड़े थोड़ी गहरी हो जाएगी क्योंकि इसमें भी कॉर्नफ्लोर होता है। चलो ये पिस्टो सॉस हमारी तैयार हो गई, अब हम इसको सर्व करते हैं। बस तो खाएं और इंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।